अगले मन हेलो गुड आफ्टरनून। मैं डेजी अहमद गुवाहाटी आसाम से हूँ। मैं होम शेफ एंड होम बेकर भी हूँ। साथ में हम मेरी और मिताली कविता की ग्रुप भी है, जायका बाय मिताली एंड डेजी। तो पहले मैं सबको वेलकम करती हूँ मेरे किचन पे। सविता जी आप आए हैं क्या? कोई बात नहीं, बहुत गर्मी है। हाँ आई है सविता जी। हेलो सविता जी। हेलो सविता जी। तो बहुत गर्मी है, मैं देर ना करके स्टार्ट करती हूँ। पहले मैं थैंक्स करना चाहती हूँ चेनिकम बाय सविता फूड ग्रुप को और सेफ बिंदावन फूड रेसिपी ग्रुप को, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था अमूल के साथ रोजा पर्व के टाइम पर उड़िया की ट्रेडिशनल मिठाई एंड सभी स्टेट की रीजनल मिठाई की, जो अमूल की हमें पनीर से बनाना मतलब उसमें ये था अमूल की पनीर से कुछ हम मिठाई बनाए। तो उसी कंपटीशन में एज ए वन ऑफ द विनर होके आई हूँ, तो इसीलिए आज मैं यहाँ आप लोगों के सामने हूँ। सो मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ अमूल, जिन्होंने मुझे बार बार ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि मैं इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में अपना जो थोड़ा बहुत कलिनरी स्किल है आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। साथ में मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ उस कंपटीशन की सभी रेस्पेक्टिव जजेस को, जिन्होंने मुझे चूज किया एज ए विनर। साथ में मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ हमारी प्यारी सी सविता मोहालिक जी को एंड हमारे सेठ बिंदावन सर जी को। अमूल को तो हमेशा थैंक्स रहेगी। तो चलिए आज मैं दिखाऊंगी बहुत ही सिंपल। गुड आफ्टरनून सबरीना जी। हेलो सबरीना। पहली डिश होगा बहुत ही सिंपल, जो अमूल की मैश पोटैटो है उसका साथ, और एक मैं दिखाऊंगी लॉस्ट रेसिपी थोड़ा अपना ट्विस्ट डाल के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो निहारिका जी। हेलो निहारिका जी, ये है अमूल की मैश पोटैटो जो ड्राई फॉर्म में आते हैं। ये इतना ही यूजफुल है एक सभी होम शेफ के किचन में, स्पेशली तो जो वर्किंग लेडी है उसके लिए बहुत ही फायदे होते हैं, मतलब टाइम कंज्यूमर होते हैं। इसको बस आप निकालिए, थोड़ा पानी के साथ एक डो बना लीजिए, आलू पराठा हो, आलू टिक्की हो, मैश पोटैटो विथ ग्रिल पनीर हो, मैश पोटैटो विथ मशरूम हो। अभी एक हफ्ता पहले हमारी ठीक हो सविता जी, मेरी कॉलीग वंदना खट्टी ने दिखाया था मैश पोटैटो विथ ग्रिल पनीर, इसलिए मैं आज वही नहीं कर रही हूँ, कुछ अलग कर रही हूँ। तो चलिए हम रेडी करते हैं। हेलो निहारिका जी। सविता जी ठीक हूँ। सबको मैं हाय हेलो बोलती हूँ जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया इस गर्मी में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हाँ निहारिका जी, ये लॉस्ट रेसिपी को थोड़ा अपना इनोवेशन डालेंगे शायद। जी जी, जैसे जैसे मैं बनाते जाऊंगी मैं बोलते जाऊंगी। यहाँ मैंने पैन गरम होने को रख दिया क्योंकि सब कुछ जल्दी जल्दी होंगे। ऑयल डालूंगी, साथ में मैं फ्लेवर के लिए अमूल की घी डालूंगी। अमूल की घी बहुत ही टेस्टी भी है, हेल्दी भी है अमूल की घी। घी
हाथ में धो के आई हूँ। इस मैश पोटैटो को मैंने सिर्फ हरी मिर्ची और नमक के साथ एक डो बना लिया था। और ये है अमूल की पनीर भुर्जी, जिसका साथ मैंने बीटरूट जूस यूज किया ताकि ये थोड़ा हेल्दी भी है। साथ में मैंने चॉप वॉलनट भी डाले थे। आप चाहे तो यहाँ पे चीज भी ग्रेट कर सकते हैं, लेकिन मैं आज चीज नहीं बनाऊंगी, इंडियन वर्जन ही इसको रखूंगी। हाँ, तो आप पूरा रूम में बिस्तर पे बैठ के मजा लीजिए डेजी का कुकिंग की। कौन की बाहर तो बहुत बारिश हो रही है आपके यहाँ। कौन बोला भाई? निहारिका जी। ये ब्रेड क्रम में मैंने रेड चिली फ्लेक्स एंड नमक के साथ किया था। मैं इसे डीप फ्राई नहीं करूंगी, सेलो फ्राई करूंगी, क्योंकि डीप फ्राई पनीर भुर्जी को मैंने थोड़ा हाफ टी स्पून बटर, हाफ टी स्पून ऑयल, देन क्यूमिन सीड, देन मैंने पनीर ऐड किया हूँ, सॉल्ट एंड मिर्ची डाला मैंने। जब थोड़ा ड्राई हुआ तब मैंने बीटरूट जूस ऑलमोस्ट 3 टीस्पून मैंने ऐड किया। बीटरूट जूस में फूड वैल्यू बहुत सारे होते हैं, ऐसे तो बच्चे नहीं खाते। मैंने सोचा चले इसी बहाने बच्चे को थोड़ा बीटरूट जूस भी खिला दूं। हाँ, आप तो मिडिल ईस्ट में है इसीलिए तो वहां पे तो ओवन ही चलेंगे। मैं हाथ धो के आती हूँ, हो गया ये होते रहेंगे। सबरीना यस्मिन नाइस रेसिपी, सबरीना यस्मिन नाइस रेसिपी, थैंक यू सबरीना। संध्या कदम नाइस। ये है मेरी नेक्स्ट जो लॉस्ट रेसिपी है, उसके बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहती हूँ। ये जो लॉस्ट रेसिपी है, ये कोकन जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनकी वहाँ बनते थे ये साउथ में, लेकिन इसका प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग है शायद, इसलिए वो लॉस्ट रेसिपी की तरफ कैटेगरी में उसका नाम हो गया। उसी लॉस्ट रेसिपी को मैंने थोड़ा ट्विस्ट दिया हूँ, ज्यादा नहीं। जो नॉर्मली वहाँ बनते हैं ओनली व्हाइट चपाती और फूड कलर देके एक चपाती बनाते हैं और उसको सन रे में ऐसे सुखा लेते हैं, जैसे मैंने सुखा के रखा हूँ क्योंकि अभी लाइव में तो नहीं दिखा सकते। फिर इस तरह उसको कट करके 1 मिनट के लिए बॉयल वाटर में रखते हैं, फिर इसे घी में तल के रखते हैं, बाकी अभी झटपट हो जाएंगे। तो मेरा ट्विस्ट ये है, मैंने एक कलर की नहीं बनाया, इसमें भी मैंने बीटरूट यूज किया हूँ और साथ में मैं अमूल की ग्रेटेड पनीर ऐड करूंगी।
बाकी सब कुछ एज इट इज ही रहेगी। मैं इस तरह आयरन कढ़ाई में कुक करना ज्यादा पसंद करती हूँ। यहाँ भी मैंने थोड़ा ऑयल डाला और साथ में मैं घी डालूंगी, क्योंकि अभी सब लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, पूरी घी में नहीं खाते हैं। और हमारे यहाँ देवी का भी और एक कहानी है, वो बाद में मैं बताऊंगी ये घी के साथ इसका क्या रिश्ता है। यहाँ पर मैंने दो कुटी हुई इलायची, ये तो ऑलरेडी थोड़ा फ्राई करके रखा हूं। साथ में अमूल की पनीर और ये। हाँ सविता जी, मुझे भी है, हम लोग बहुत घी खाते हैं, बटर ज्यादा नहीं खाते। तो ये ग्रेटेड कोकोनट, और ये पाउडर शुगर। डेजी का जो कहानी है वो सविता जी मैं फोन पे बताऊंगी आपको। तो मैंने पहले घी और ऑयल में इलायची डाला, देन मैंने जो फ्राई करके रखा था, और इस लॉस रेसिपी का नाम है कटरी। तो मेरा ट्विस्ट था, मैंने एक रोटी को चपाती को बीटरूट जूस से बनाया और साथ में मैंने अमूल पनीर डाला। जो ओरिजिनली बनते हैं वहाँ पे वो लोग फूड कलर यूज करते थे, लेकिन मैंने आज यहाँ पे टर्मेरिक पाउडर एंड बीटरूट जूस किया हूँ ताकि ये थोड़ा हेल्दी बने। प्रोसेस लॉन्ग है लेकिन बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। आज तो मैं चख के जाऊंगी सब कुछ, इसीलिए मेरे हिसाब से मेरे अमाउंट की वो बना रही है वो, और मैं खाऊंगी और मजे करके घर जाऊंगी। हमारी टिक्की भी शायद हो गई है। इसमें मैं थोड़ा मिल्क ऐड करूंगी, अमूल की मिल्क, पानी नहीं डालूंगी मैं। हमारी यहाँ सब कुछ अमूल के ही चलते हैं। मैं अमूल को फिर से थैंक्स कहना चाहती हूँ। हाल ही में अमूल ने हम होम से सभी को इतना वंडरफुल गिफ्ट हैम्पर भेजा है, मतलब शुक्रिया बहुत छोटा वर्ड है। अमूल की जो ये एप्रिसिएशन की वे है मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू अमूल, और थैंक यू कहना चाहती हूँ अभिषेक सर को, जो हमेशा हमें गाइड करते हैं, सब कुछ अच्छे तरह समझाते हैं। थैंक यू अभिषेक सर। ये भी हो गया, ये ऐसे ड्राई करके ही खाते हैं। मैं प्लेटिंग कर लेती हूँ। हमारी टिकिया भी बन गए, आज सब कुछ झटपट। हाय रंजिता। हेलो रंजिता, हाउ आर यू?
आप आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत। मेरी दुआ है कि आप जल्दी से ठीक हो जाए और हम लोगों के साथ कुकिंग स्टार्ट कर दीजिए। बहुत मिस करती हूँ आपको। हेलो रंजीता, मैं आपको फोन करने वाली थी लेकिन आप कब फोन उठाए कि कैसे हो, इसीलिए मैंने फोन नहीं किया। अच्छा, ठीक हूँ तो बहुत अच्छा है। अभी मैं फोन करूँगी घर जाके। मैं गैस ऑफ कर देती हूँ। दोनों गैस ऑफ। ओके, कल केमो हो गया, कोई बात नहीं, आप खाना बहुत अच्छी तरह खाओ। हमारी दुआ आपके साथ ही है। जो पोटैटो टिक्की है उसको मैं इमली चटनी और हरी चटनी के साथ सर्व करूंगी। हरी चटनी नहीं, ये मैंने आप ना रंजीता जी बहुत ज़्यादा ये खाओ, ब्लैकबेरी, ड्राई ब्लैकबेरी मिलते हैं ना, वो बहुत खाओ। ये जो मैंने चटनी बनाया ये परवल और कोरिएंडर लीव्स से है। परवल को मैंने अभी लंच के लिए जो मैंने दाल बनाया था उसमें परवल को डाल दिए थे, तो ये मेरे घर में बहुत पसंद करते हैं। ऐसे तो मेरे बेटी बेटी परवल नहीं खाते हैं। अभी बहुत गर्म है, ये टूट गया है, रुकिए, मैं बहुत गर्म है ना इसलिए। ये दूसरा पीस थोड़ा ठंडा हो जाए तो मैं प्रेजेंट कर दूंगी।
मेरा खुआ डिसीजन ले लीजिए। आपकी पंखुड़ी ये ड्राई रोज पेटल गुलाब की पंखुड़ी उड़ी गई थी। फैन और फैन चल रहे हैं ना, इसलिए उड़ रहा है। कैसा लगा मेरा ये थोड़ा मैं एलमंड चॉप कर दे रही हूँ। ललिता कलरा क्या बना रहे हो दीदी? अच्छा मैंने एक आज सिंपल पोटैटो टिक्की उसमें पनीर और बीटरूट के साथ जो स्टफिंग किया, साथ में ये लॉस्ट रेसिपी है कोंकण का मुस्लिम कम्युनिटी की जिसका नाम है कटरे। ये चपाती को बना के धूप में सुखा के रखते हैं, तब काट करके एक मिनट के लिए बॉईल करके फिर इसे फ्राई करते हैं। तो नॉर्मली वहाँ पे सिर्फ कोकोनट और शुगर से बनाते हैं, तो आज मैंने इसमें पनीर ऐड किया हूँ और जो चपाती बनाया मैं उसमें टर्मेरिक पाउडर और बीटरूट जूस के साथ चपाती को सुखाया। ये वन टाइप ऑफ कोंकणी चाउमीन पास्ता है। हाँ मे भी हो सकता है स्वीट पास्ता। भावना व सुनसान दाल, हेलो भावना जी, मैं तो अभी पूरा कंपटीशन पूरा बंद कर दी हूँ, इतना धूप इतना गर्मी। मेरे दोनों डिश रेडी हो गए। तो आज बहुत झटपट से जो भी मैं थोड़ा झटपट बनाने की कोशिश करती हूँ जो भी बनाती हूँ, तो होप आप सबको अच्छा लगा। एंड अगेन थैंक यू जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया। शायद किसी की क्वेश्चन रह गई हो मैं बाद में जरूर आंसर करूंगी। सो अगेन थैंक्स सविता मोहालिक जी एंड सर वृंदावन सर जी को, थैंक्स अमोल को, थैंक्स अभिषेक सर को। तो सविता जी मैं लाइव सेशन एंड करूं, अभिषेक सर तो चलिए फिर मिलते हैं, कुछ नया कुछ लाने की ट्राई करूंगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी 15th आज।
स्वागत एडवांस सभी लोगों को। जय हिंद।